ओके, तो ये है OnePlus Nord 2, जो 30,000 की रेंज में आंख बंद करके रेकमेंड किया जाने वाला फोन है, लेकिन दूसरी तरफ है 9RT। ये हाल ही में लॉन्च हुआ है और ये लोगों को कंफ्यूज कर देता है अपने किलर लुक्स, फ्लैगशिप प्रोसेसर और प्रीमियम डिजाइन से। अब अगर आप इन दोनों फोन्स में कंफ्यूज्ड हो कि किसकी फिनिश अच्छी है, किसका मेटल बॉडी है, गेम्स किस पे अच्छे चलते हैं, तो ऐसे ही 25 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में आंसर करके आपका काम आसान कर दिया है। अब आप एक काम मेरा आसान कर दो, कैशिफाई को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो। मेरा नाम है कौशल और आप देख रहे हो इन डेप्थ FAQ कंपैरिजन ऑफ Nord 2 वर्सेस OnePlus 9RT। लेट्स बिगिन। ओके, तो सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करते हो फोन को हाथ में पकड़ने के बाद, वो होती है इसकी इन हैंड फील और फिनिश। Nord 2 और OnePlus 9RT दोनों में ही आगे पीछे गोरिल्ला ग्लास मिल जाता है, लेकिन ये Nord 2 जो है ये ग्लॉसी बैक के साथ आता है। तो आप ये मत सोचना कि मेरे को तो फ्रॉस्टेड पसंद है तो मेरे लिए 9RT ही ऑप्शन बचा है। Nord 2 में भी एक फ्रॉस्टेड बैक वाला वेरिएंट आता है जो बहुत अच्छा फील होता है इन हैंड। मेरे एक दोस्त के पास है तो आपको बहुत पसंद आ सकता है। अब किसी महापुरुष ने सही कहा है, ग्लास इज ग्लास एंड ग्लास कैन ब्रेक। इसी वजह से इन दोनों फोन्स में आगे पीछे दोनों साइड गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है, तो क्वालिटी में कहीं भी कमी नहीं है। लेकिन गोरिल्ला ग्लास 5 का मतलब ये नहीं कि दोनों फोन टूट नहीं सकते हैं। टूट सकते हैं तो आप केस यूज करना, उससे होगा क्या, उससे आपके फोन की प्रोटेक्शन भी बनी रहेगी और रीसेल वैल्यू भी, ताकि जब आप उसको कैशिफाई पर बेचने चाहो तो अच्छी वैल्यू मिले। तो इन दोनों ही फोन्स में DC डिमिंग मिलती है, तो उससे क्या होता है कि आप जब आप लो ब्राइटनेस पे फोन को यूज करते हो तो स्क्रीन फ्लिकर नहीं करती है। ये प्रॉब्लम होता है लेकिन लो एंड बजट फोन्स में आपको देखने को मिलता है, यहां पर नहीं है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। इवन दोनों ही फोन्स में AMOLED डिस्प्ले आती है, लेकिन 9RT का डिस्प्ले ऑब्वियसली थोड़ा सा ज्यादा क्रिस्प और ब्राइट फील होता है, लेकिन फील करने से कुछ नहीं होता। मैं आपको लक्स मीटर पर चेक करके दिखाता हूँ कि एग्जैक्ट वैल्यूज कितनी है। अगर हम देखें तो OnePlus 9RT में 645 दिखा रहा है और वहीं पर Nord 2 में भी 645 के आसपास दिखा रहा है। तो नॉर्मल ब्राइटनेस तो इन दोनों फोन्स की सेम है, लेकिन जहां फर्क आता है वो आता है पीक ब्राइटनेस में। तो पीक ब्राइटनेस भी आपको टेस्ट करके दिखाता हूं। अब मैंने HDR मोड ऑन कर दिया है, तो अब देखते हैं कितनी ब्राइटनेस से दोनों फोन शो करते हैं। HDR में OnePlus 9RT की वैल्यू चली जाती है अराउंड 990, विच इज क्लोज टू 1000, और वहीं पर Nord 2 अभी भी 640 दिखा रहा है। तो HDR होने के बाद भी यहां पर ब्राइटनेस में कोई फर्क नहीं आया। अब अगर आपने 30,000-40,000 रुपए खर्च करे तो आप सोच रहे होंगे क्या इसमें IP रेटिंग मिल रही है मेरे को। दोनों ही फोन्स में कोई भी ऑफिशियल IP रेटिंग नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो वाटर रेजिस्टेंस का काम हुआ है वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसे आप ये सिम ट्रे निकाल के देखोगे तो एजिस पर आपको एक रेड रबर रिंग दिखाई देगी। तो OnePlus ने इंटरनली वाटर रेजिस्टेंस का काम तो किया है, लेकिन ऑफिशियल IP रेटिंग के सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई नहीं किया है। तो आप इसको थोड़ी बहुत बरसात में यूज कर सकते हो विदाउट एनी इश्यूज, बट थोड़ा सा कॉशियस रहना क्योंकि वाटर डैमेज वारंटी में कवर नहीं होता है। और ये लाइन थोड़ी सी आयरोनिक है क्योंकि हेडफोन जैक एक प्रीमियम फीचर होने के बाद भी सिर्फ बजट फोन्स में दिखाई देता है आजकल, बट क्योंकि ये दोनों ही फोन्स प्रीमियम सेगमेंट की तरफ लाए करते हैं तो दोनों ही फोन्स में कोई हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आपको वाइड ईयरफोन्स पसंद है तो या तो आप USB टाइप सी वाले ईयरफोन्स खरीदो या फिर मेरी तरह डोंगल लाइफ की आदत डाल लो। तो अब दोनों ही फोन्स की डिस्प्ले हाई रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है, Nord 2 में 90Hz और OnePlus 9RT में 120Hz। तो क्या आपको अलग अलग रिफ्रेश रेट से फर्क पड़ना चाहिए? Well, not really. नोटिफिकेशन शेड हो गई, ऐप ड्रॉअर हो गया, सेटिंग्स हो गई, यहाँ पर स्क्रॉल करने में आपको दोनों ही फोन्स काफी स्मूथ फील होंगे, लेकिन जहाँ पे मैटर करता है एप्स और गेम्स, वहां पर अभी सपोर्ट मिसिंग है। जैसे बहुत सारे गेम्स हैं जो अभी भी 90Hz और 120Hz का सपोर्ट नहीं दे पाए इन दोनों फोन्स में, तो व्हाट्स द पॉइंट। तो इन द एंड आई वुड से कि आप ये नहीं बोल सकते हो कि Nord 2 90Hz OnePlus 9RT से बेकार है। तो ऑन पेपर तो दोनों ही फोन्स क्लेम करते हैं कि इनमें HDR 10 प्लस का सपोर्ट आता है, बट अभी थोड़ी देर पहले मैंने HDR टेस्ट किया था लक्स मीटर से, तो Nord 2 का ब्राइटनेस बढ़ ही नहीं रहा था। तो क्या इसका मतलब ये है कि इसमें HDR सपोर्ट नहीं है? तो चलो एक साइड बाय साइड HDR वीडियो प्ले करके देखते हैं। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ OnePlus 9RT में ज्यादा डायनेमिक रेंज दिख रही है, थोड़ी सी ज्यादा ब्राइट है डिस्प्ले Nord 2 के कंपैरिजन में। तो इन अ नटशेल 9RT का HDR सपोर्ट ज्यादा बेटर है Nord 2 के कंपैरिजन में। अब Nord 2 और OnePlus 9RT दोनों में ही इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, जो कि थोड़ा सा मेरे हिसाब से अनकंफर्टेबल है। मैं बताता हूँ क्यों।
जैसा कि आप दोनों ही फोन्स पर देख पाओगे, ये लोअर एंड ऑफ द स्क्रीन पर प्लेस्ड है और जब मैं इनको अनलॉक करने की कोशिश करता हूँ तो फोन स्लिपरी होने की वजह से फोन गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से ये थोड़ा सा ऊपर होता तो ज्यादा बेटर होता, जैसे कि 9R में। अब क्योंकि इंडिया में OnePlus वायरलेस चार्जिंग के बारे में ज्यादा बातें नहीं करता है, तो इन दोनों फोन्स में भी कोई वायरलेस चार्जिंग नहीं है, लेकिन 65 वॉट वार्प चार्जिंग है तो आपको कमी फील भी नहीं होगी। तो इन दोनों ही फोन्स में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं जो काफी अच्छा साउंड करते हैं। तो इसका मतलब ये कि अगर आप मेट्रो में जा रहे हो और आपका लाउड स्पीकर पे गाना बजाने का मन है तो खूब सराउंड साउंड मिलेगा, लेकिन बजाना मत, इट्स वेरी रूड। लेकिन सुन के देख लो कैसे लगता है साइड बाय साइड। अब OnePlus 9RT के ऑफिशियल स्पेक पेज पर लिखा हुआ है कि इसके अंदर वेपर चेंबर लिक्विड कूलिंग सिस्टम है, बट Note 2 के वेबसाइट पे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो मैं बोल भी नहीं सकता हूँ कि इसके अंदर है। बट अभी हम एक गेमिंग टेस्ट करेंगे तो उससे पता चल जाएगा अगर कोई भी अनोमली होगी या ओवरहीटिंग इशू होंगे तो। तो 10 मिनट के एक ब्रीफ गेमिंग टेस्ट में Note 2 का टेम्परेचर है अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, और वहीं पर है OnePlus 9RT का टेम्परेचर अराउंड विच इज सेम 38 डिग्री सेल्सियस। बट बैक साइड में टेस्ट करते हैं। पीछे से भी अगर आप देखोगे तो 36 ही दिखा रहा है और 9RT में 35 है। ये तो साफ है कि दोनों ही फोन ओवरहीट नहीं होते। तो अगर आपको इन दोनों फोन्स पर गेम खेलने तो BGMI सेटिंग्स में आपको बता देता हूं कौन कौन सी इस पे मैक्सिमम आप खेल सकते हो। दोनों ही फोन्स में आप अल्ट्रा HD ग्राफिक्स के संग और अल्ट्रा फ्रेम रेट पर खेल सकते हो, लेकिन अगर आपको एक्सट्रीम FPS पर गेम खेलना है तो थोड़ा सा आपको ग्राफिक्स को कम करना पड़ेगा और HDR ग्राफिक्स पर आप खेल सकते हो। स्टोरेज के मामले में दोनों ही फोन्स एग्जैक्टली सेम है, दोनों में UFS 3.1 स्टोरेज आती है, लेकिन रैम के मामले में थोड़ा सा अलग है। 9RT में LPDDR5 और Note 2 में LPDDR4X। अब क्योंकि ये दोनों ही फोन्स ColorOS वाले OxygenOS के साथ आते हैं तो डुअल एप्स वाला फीचर थोड़ा सा लिमिटेड हो गया है यहाँ पे। और जैसे पहले बहुत सारी एप्स को आप क्लोन कर सकते थे फोन के अंदर, यहाँ पर सिर्फ 3 एप्स बची है, Facebook, Instagram और WhatsApp। इवन दो OnePlus 9RT अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, लेकिन फिर भी इसमें सिर्फ 8 5G बैंड्स आते हैं, वहीं Note 2 जिसको काफी टाइम हो चुका है उसके अंदर 12 5G बैंड्स देखने को मिल जाते हैं। तो जब भी 5G रोल आउट होगा आपके शहर में तो Note 2 हो सकता है ज्यादा अच्छे से काम करे। अब 5G से ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या? 4G कैरियर एग्रीगेशन। 9RT में 3CA तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, Note 2 में सिर्फ 2CA तक मैं देख पाया। तो दोनों ही फोन्स में कैरियर एग्रीगेशन है। अब Note 2 और 9RT दोनों में ही X axis linear haptics motor देखने को मिल जाती है जो बहुत अच्छा haptic feedback offer करते हैं, और मैं दोनों में ज्यादा difference नहीं बता पाया तो आप भी नहीं बता पाओगे, तो it's fine। दोनों ही फोन्स में 50 megapixel का main sensor आता है, तो हाँ आप full resolution photos खींच सकते हो, लेकिन आपको manually on करना पड़ेगा। अब जो 4K 60fps में वीडियो रिकॉर्डिंग है ना, वो Note 2 के लिए थोड़ी सी ट्रिकी है क्योंकि ये कर नहीं सकता। 9RT में आप कर सकते हो वीडियो रिकॉर्डिंग 4K 60fps में, बट विदाउट एनी स्टेबलाइजेशन। तो अगर आपको पोर्ट्रेट मोड में ब्लर के साथ में वीडियोस रिकॉर्ड करनी है तो दोनों ही फोन्स केपेबल है, और एक्चुअल स्लाइडर मिलता है एडजस्ट करने के लिए। वैसे तो दोनों ही फोन के कैमरा में OIS है, बट वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे दोनों ही फोन्स EIS का यूज करते हैं स्टेबलाइजेशन देने के लिए। अगर आप हाई फिडेलिटी म्यूजिक सुनने के शौकीन हो तो Dolby Atmos का सपोर्ट सिर्फ 9RT में मिलता है, और अलग अलग प्रोफाइल्स मिलती है चेंज करने के लिए आपके नीड के हिसाब से। Note 2 में वैसा कोई फीचर नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि आप कॉल्स रिकॉर्ड कर पाओ तो दोनों ही फोन्स में गूगल डायलर आता है जो डिस्क्लेमर के संग आपको कॉल्स रिकॉर्ड करने देता है, बट अगर आप चाहते हो कि ऑटोमेटिकली कॉल्स रिकॉर्ड हो जाए तो वो सिर्फ अननोन कॉलर्स की होती है। अगर आप अपने कॉन्टैक्ट्स में किसी की करना चाहते हो तो आपको मैनुअली ऐड करना पड़ेगा। तो आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चंस आंसर कर दिए होंगे, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन छूट गया या आपको कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हो।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपका कोई फ्रेंड है जो 9RT और Note 2 में कंफ्यूज हो रहा है तो आपको पता ही है क्या करना है, WhatsApp पे ये वीडियो शेयर कर देनी है। एक और चीज रह गई है जो मेरे कहने से तो आप कभी करते नहीं हो, तो राजकुमार राव के कहने से प्लीज कर लेना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।